Hello friends, welcome to Professional Guidance. Today we will discuss about how to apply for ACS membership. So first of all, congratulations for your new journey as a company secretary, and I hope you have completed all the trainings and generated training completion certificate from Stimulate portal, which contains details of all the trainings completed by you, which is required for applying ACS membership. So first of all, we will go through the checklist of documents required for applying ACS membership. So you can see here, checklist to be submitted duly signed by the student at the time of applying for admission as an associate membership of ICSI. Form A आपको manually fill करके scan करना होगा. मैं आपको form में दिखाती हूँ. सबसे पहला document form A है, ठीक है. मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्म में. देखिए फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर एडमिशन एज एन एसोसिएट मेंबर आपको ICSI वेबसाइट से इजीली फॉर्म में मिल जाएगा फॉर अप्लाइंग मेंबरशिप. ओके, सो ये आपका फॉर्म है. यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है, ठीक है. और यहाँ पे सारी आपकी बेसिक डिटेल्स आएंगी, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, whatever your details are that should be filled up. okay, देखिए ये सारा form fill करके आपको यहाँ पे sign करना है place date डाल के. okay, फिर यहाँ पे आ गया certificate of fitness for admission to associate membership. आपको ये दो professional से sign करवाना होगा, certify करेंगे वो आपका certificate of fitness का. तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, जो भी प्रोफेशनल से आप साइन करवा रहे हो उनका सिग्नेचर आएगा, नाम आएगा, मेंबरशिप नंबर आएगा, ठीक है, डेट प्लेस जो भी. दो प्रोफेशनल चाहिए होंगे, लेकिन जो भी प्रोफेशनल से आप करवाओगे कम से कम उनके मेंबरशिप को 3 साल हो गए होंगे, ठीक है. फिर आपका आ गया स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड. यहाँ पे भी आपको और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी होंगी. यहाँ पे आपका नाम और दो बार साइन आपको यहाँ पे करना होगा, जो भी साइन आप चाहते हो, ठीक है, एज अ मेंबर यहाँ पे. ओके, खाली यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नेम और यहाँ पे दो टाइप का साइन, बस स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड में इतना ही जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका बात फॉर्म ए का. ठीक है, लेट्स गो थ्रू अदर डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमने डिस्कस कर लिया, फॉर्म ए में दो जगह पे लगेगा. फिर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस वो भी हमने डिस्कस कर लिया, फॉर्म ए के अंदर ही आपको मिल गया था सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस. दो प्रोफेशनल से आपको करवाना है जिनका कम से कम 3 साल हो गया हो मेंबरशिप को, ठीक है. फिर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए. आप ही साइन करोगे और अपना डेट डालोगे, जो भी आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होगा उसको स्कैन करना है आपको. वो फोटो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10 भी हो सकता है, और सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ क्लास 10 और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन विच योर डेट ऑफ बर्थ एंड फुल नेम इज मेंशन और सेल्फ अटेस्टेड विथ नेम एंड डेट, फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट, मतलब इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम हो, फुल नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ हो, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है. फिर फिफ्थ में आ गया आपका प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन और फाउंडेशन पास ऑफ ICAI कॉस्ट और सीपीटी पास ऑफ ICAI. या तो आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपका ICAI फाउंडेशन पास, या फिर सीपीटी पास ऑफ ICAI, जिसमें आपका आपको सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, उसमें भी आपका नाम और डेट के साथ आपका सेल्फ अटेस्टेशन चाहिए, ठीक है. सेल्फ अटेस्टेड विथ नेम एंड डेट, फोटो कॉपी ऑफ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन प्रोवाइडेड बाई द यूनिवर्सिटी कंसर्न, प्लीज अटैच ऑल पार्ट्स ऑफ मार्कशीट्स ऑफ ग्रेजुएशन इफ डिग्री सर्टिफिकेट इज नॉट येट रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन भी अटेस्ट कर सकते हो, ठीक है. फिर मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ फाउंडेशन पास ऑफ ICAI, सीपीटी पास ऑफ ICAI और अटैच फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ फाउंडेशन एग्जामिनेशन ऑफ ICSI इफ स्टूडेंट हैज़ पास फाउंडेशन प्रोग्राम एग्जामिनेशन ऑफ ICSI और सर्टिफिकेट ऑफ CS एग्जीक्यूटिव एंट्रांस टेस्ट. ओके, इनमें से कोई भी एक
प्रूफ आपको देना है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर आ गया 6 नंबर पे, प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ ICSE। जब आप प्रोफेशनल प्रोग्राम पास किए तब आपके पास एक सर्टिफिकेट आया होगा ICSE की तरफ से डेट यू हैव पास दी प्रोफेशनल प्रोग्राम, उसको भी आपको स्कैन करके अटैच करना होगा। उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेशन ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ICSE जनरेट करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ये आपको मिल जाएगा स्टिमुलेट पोर्टल से, जहाँ पे आप अपना सारा डिटेल्स डाले होंगे। तो वहाँ पे जब सारे डिटेल्स अपडेट हो जाएंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा, तो आप ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले पाओगे, जनरेट कर पाओगे। तो वो ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फीस आपका जो भी लगेगा, आप जब अप्लाई करोगे तब आपको वहाँ पे फीस दिखा देगा, ठीक है, जो भी आपको पेमेंट करनी होगी फॉर अप्लाइंग ACS मेंबरशिप। और लास्ट में है कॉपी ऑफ पैन एंड आधार कार्ड, ऑल्सो फिल द डिटेल्स इन फॉर्म ए। आपको पैन और आधार कार्ड का डिटेल्स फॉर्म ए पे भी डालना होगा, और आपको कॉपी ऑफ पैन एंड आधार कार्ड का भी स्कैन करके अटैच करना होगा। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की है वो सारा मिला के आपका एक PDF बनेगा। और PDF बनने के बाद आप जाओगे, ICSE.in लॉगिन पे, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, और यहाँ पे रिट्राई पासवर्ड करके आप पासवर्ड जनरेट करोगे। इन केस अगर कोई भी लॉगिन में प्रॉब्लम होता है तो आप स्मैश पोर्टल में जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। एंड जब आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तब आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर ACS मेंबरशिप। आप उसमें जाके अपना PDF अपलोड कर दीजिएगा, और जो भी फीस वो आपको आपसे मांगे आप उसे पे कर दीजिएगा, एंड आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और 15-20 डेज़ के अंदर आपको मेल भी आ जाएगा रिगार्डिंग द मेंबरशिप नंबर अलॉटेड टू यू। सो इफ़ यू फाइंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर गाइडेंस। ओके, थैंक यू।